निमिषा की सहेलियों से इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे का? देवर जी, किसी को स्पेशल वेलकम वेलकम करना हो तो हमको पहले ही बता दीजिएगा। हाँ हाँ, वो नहीं। देवर जी, निमिषा की फ्रेंड्स लोग को निमिषा से भी मिलवाएंगे या सारी लड़कियों पर आप ही हक जमाए बैठे रहेंगे? Come on guys. Go ना, go, go, go. दीदी, पक्का वो तीसरी वाली होगी। वो क्या नाम था? ये कहा है जमाई राजा, हैं? आप तो बाप बनते मैदान छोड़ के भाग लिए। अरे अरे, आते ही किस बहस में पड़ गए आप लोग? उसे बैठने तो दो, बैठो। बच्चे तो बड़े पड़पड़ा रहे हैं। लगता है तेरा अंदाजा सही है। वो तीसरी वाली जो नहीं आई है, उसी के लिए परेशान हो रहे हैं का? अरे साली साहिबा, आप कहाँ खोई हुई हैं? लगता है बैठी हमारे साथ है, मगर दिमाग कहीं और ही है आपका। नहीं नहीं जीजू, वो अरे क्यों चिढ़ा रहा है बेचारी बच्ची को? इस उम्र में सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। हाँ नव्या, नव्या तूने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी? क्या करती है नवी तू? एक आइसक्रीम ऑर्डर नहीं करी तूने इतनी देर से? नव्या क्या हुआ? नवी बोल ना, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? दी, आप मेरी हेल्प करोगे? प्लीज प्लीज दी। हेल्प? कैसी हेल्प? देवर जी को देखे हैं आप? देवर जी? अच्छा अनंत, हाँ अभी अभी उससे ही बात कर रहा था। वो बाहर गया, कह रहा था उसे शगुन के लड्डू लेने। सुगंधा आंटी ने भेजा उसको। ओह, शगुन के लड्डू। ओके ओके ओके। लड्डू, काश की देवर जी जो लड्डू लाने गए हैं उसका नाम शगुन होता, पर यहाँ तो मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कितनी लापरवाह हो गई है तू नव्या, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? कोई रात भर सो ना पाए पर तुझे फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो बस जो करना है अपने ढंग से करना होता है, दूसरों की तकलीफ से तुझे क्या मतलब है? सॉरी, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती? इसे तू गलती कहती है? नवी तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? अरे क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या किया इस बेचारी ने? बेचारी? आपको पता भी है इसने किया क्या है? अरे लाइए ना माँ जी, हम संभाल लेते हैं पूजा का थाल। माँ जी, आप ऐसे टाइम पे देवर जी को लड्डू लाने कहाँ भेजती? उनका तो अभी यहाँ होना ज्यादा जरूरी है ना? लड्डू लाने? लड्डू तो कब के आ गए? हम नहीं भेजे अनंत को कहीं? ओह, लो हो गई प्रॉब्लम। अरे झूठ बोल के साहबजादे कहाँ उड़न छू हो गए?
इसका जासूसी तो करना ही पड़ेगा रमा करमचंद को।